समापन में चले गए रोहतास उद्योग समूह के क्वार्टरों में रह रहे 537 लोगों को हाईकोर्ट के कंपनी जज ने क्वार्टर खाली करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश की जानकारी मिलते ही क्वार्टर में रहने वाले लोगों के बीच में आसियाना उजड़ने के से मायूसी छा गई है। कंपनी न्यायालय द्वारा विगत 10 नवंबर को 20 आवेदनों पर सुनवाई की गई। रोहतास उद्योग समूह के क्वार्टर में अनाधिकृत रूप से रह रहे 537 क्वार्टर को खाली कराने का पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट के आदेश आते ही पूरे डालमिया नगर में हड़कंप मच गया है। जब हमारे संवाददाता शिव कुमार ओझा ने वहाँ के लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर जब फैक्ट्री चालू था तो यहाँ के कर्मचारी थे। फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद 40 वर्षों से हम लोग क्वार्टर में रह रहे हैं और अब हाईकोर्ट का आदेश आया है कि क्वार्टर को खाली कर देना है, तो ऐसे में हम लोग अब कहाँ जाएँ। हम लोग उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ से हम लोग कहीं बाहर जाने हैं दिक्कत होगी। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा वहाँ के पूर्व कर्मचारियों ने जिन्हें क्वार्टर खाली कराने का आदेश मिला है। हम अभी मौजूद हैं बिहार के रोहतास जिले में मौजूद डालमिया नगर फैक्ट्री, जो पूरे बिहार को गौरवान्वित करता था। इसलिए बोल रहे हैं कि लगभग 40 वर्षों से फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी है और यहाँ पे कोई भी काम नहीं चलता है। आप स्थिति खुद देख सकते हैं, तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन एक नया आदेश आ गया है, जो इस कंपनी में पहले काम करते थे कर्मचारी और यहाँ के क्वार्टर में रहते थे कंपनी बंद हो जाने के बाद, लेकिन हाईकोर्ट का एक आदेश आ गया है कि आपको 537 क्वार्टर को खाली कर देना है। अब स्थिति यह है कि ये लोग बहुत दिन से 40 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और अगर अटेंडम एक फैसला आता है कि आपको क्वार्टर खाली कर देना है और उम्र के हिसाब से अब इन लोग को दिक्कत होगा कहीं बाहर जाकर रहने में, कंपनी का आदेश हुआ है। हम कुछ बात करेंगे, हमारे साथ कुछ कर्मचारी हैं जो पहले यहाँ काम करते थे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर समस्या क्या है और हाईकोर्ट का ऐसा आदेश क्यों आया। लोग कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने के चक्कर में है या नहीं है? आप क्या नाम आपका? पारस नाथ दुबे। मैं इस रोहतास उद्योग का मैं पूर्व कर्मचारी हूँ और 8 जुलाई 1984 में कारखाना बंद हो गया था। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना या पूरे भारतवर्ष में एक कारखाने के बारे में, जब एक कारखाना बंद हो गया था 40 वर्ष पहले ही, उसके बाद भी आप लोग क्वार्टर में रह रहे थे, तो किस तरीके से इसका रेंट देकर रहते हैं कि मतलब ऐसे ही रहते नहीं हैं? ऐसा है कि एम्प्लाई का कोई रेंट नहीं है, जो बाहरी लोग हैं उन लोगों का रेंट बंधा हुआ है लेकिन एम्प्लाई का नहीं है, क्योंकि हम लोग एम्प्लाई हम लोग शुरू से ही क्वार्टर में रह रहे हैं 40 वर्षों से, तो हम लोग साथ ऐसी बात नहीं है। अभी फिलहाल में हम लोग आज करीब 20 वर्षों से केस लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट का अभी जो जजमेंट आया है, हम लोग वहाँ अभी जजमेंट रोहतास उद्योग के आवासीय कॉलोनी में रहने वाले जो जजमेंट के अनुसार तो 29 दिनों के अंदर क्वार्टर को खाली कर देना है। हाँ, तो अभी जो जजमेंट आया है कि 29 दिनों के अंदर इस क्वार्टर को खाली कर देना है, इसके खिलाफ में हम लोग डबल बेंच में जा रहे हैं। यहाँ के जो भी श्रमिक हैं और संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग अभी यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके अध्यक्ष अभी हमारे गिरिजानंदन सिंह जी हमारे बगल में खड़े हैं और ये पिटिशनर है हाईकोर्ट में। तो हम लोग का अभी डिसीजन हुआ कि हम लोग चूँकि जो जज थे वो कंपनी जज ही के पास हम लोग का केस देखा जाता है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट हम लोग के फेवर में दिया, लेकिन उन्होंने डार्क में रखकर हम लोगों का गेस्ट उन्होंने फैसला दे दिया और उन्होंने ये फैसला दिया कि आपको 1400 क्वार्टर यहाँ के रहने वाले रोहतास के जो श्रमिक इस कैंपस में सबको क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और हम लोग इस उम्र में जो बाल बच्चे हमारे यहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बेटियों की शादी की समस्या है, रहने खाने की व्यवस्था के हम लोग बारे में सोच रहे हैं, और जब हम क्वार्टर खाली कर देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ, किस जगह हम लोग जाएंगे, इसको लेकर यहाँ तमाम कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। यह एक बहुत बड़ा चिंता की विषय है और इसको लेकर हम लोग चूँकि कंपनी जज के कहना है कि आप रिव्यू के लिए हमारे कोर्ट में आइए, लेकिन हम लोगों को उस जज के ऊपर कोई विश्वास नहीं रह गया है जिसने हम लोग डार्क में रहकर सब कुछ उसने एक्सेप्ट किया और डार्क में रहकर हम लोगों का अगेंस्ट में उसने जो है अपना स्टेटमेंट दिया, ऑर्डर दे दिया, जजमेंट उसका जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट में चला गया यहाँ के लोगों के खिलाफ में और उसने 1400 क्वार्टर खाली करने का आदेश दे दिया। इसको लेकर हम लोग अभी डबल बेंच में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपने सुना कि आदेश आने के बाद काफ़ी मायूसी है और कह रहे हैं कि इस उम्र में हम लोग के घर में शादी है, इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे, और भी लोग हैं आपको बात करेंगे बताएंगे। अच्छा बताइए कि जो डालमिया नगर फैक्ट्री जब बंद हो रहा था, आप लोग यहाँ के कर्मी थे, तो जितना पिछला बकाया था आप लोग को क्लियर कर दिया गया था? नहीं, हम लोग का बकाया आज भी है, मेरा 5 पॉइंट पर है, बाकी सारे बात हमारे मित्र बता दिए हैं, लेकिन हमारा 5 पॉइंट पर हमारा फोकस है। कमीशन का रिपोर्ट मानेंगे,
मजदूरों का बकाया अभी भी बाकी है, जो क्वार्टर में है वही लेंगे। क्वार्टर खाली ना करेंगे, क्वार्टर में सब परिवार जान दे देंगे। कंपनी जज को लाश गिनने के लिए डालमिया नगर आना होगा। चौथा, किराया कंपनी को देकर देते रहते हैं, रसीद हाई कोर्ट के द्वारा मैनेजमेंट यहां से किराया लेती है और किराए के रसीद काट करके देती, हम ताला तोड़ के नहीं रहते हैं। पांचवा, बिजली बिल, बिजली जो लगा है वो NOC करा करके, जो 50,000-30,000 जो बकाया था वो दे करके ही NOC लेकर के या बिजली लगाया गया है। मेरा कहना है, हम लगभग 537 क्वार्टर को खाली करने का आदेश आया है, तो उसमें आपका भी क्वार्टर है जी हाँ, और जो लोग हैं मतलब इस फैसले के खिलाफ हैं या हाई कोर्ट में फिर आदेश करना चाहेंगे? हाई कोर्ट में डबल बेंच में हम लोग इसलिए जाना चाहते हैं, मित्र ने चर्चा नहीं किया, इसलिए जाना चाहते हैं कि टोटल अभी तक जितना भी रिपोर्ट आया है सब मजदूरों के पक्ष में है। सिर्फ एक धरनीधर झा का रिपोर्ट हम लोग के खिलाफ गया था, जो कि उसके बाद भी हम लोग लड़ाई लड़े तो हम लोग के पक्ष में आने के लिए कंपनी जज के यहाँ हम लोग गए, लेकिन कंपनी जज ठीक ऑर्डर को उलट दिए। हर तारीख पर हम लोग गिरजा बाबू के साथ जो पिटिशनर हैं उनके साथ जाते हैं, हम लोग को भरोसा भी बनी कि कंपनी जज महोदय हम लोग के पक्ष में हम लोग की स्थिति को समझते हुए दिए। लेकिन एक बात चर्चा में भी आई है कि क्या मजदूरों, हमारे वकील RK सिंह ने कहा कि क्या मजदूरों का भी बकाया है क्या, वकील ने कहा कि हाँ है। अवाक हो गए इजलास पर और कहे कि मजदूर का बकाया है, तो बताइए, एक तरफ कमीशन का रिपोर्ट भी नहीं मारा है, हमारे हिमांशु शेखर जी लिक्विडेटर अभी गए यहाँ से, वो भी यहाँ के स्थिति को देख करके मजदूरों के पक्ष में दिए, लेकिन सारे ऑर्डर को बहुत दुख की बात है कि उलट दिए। और आज इम्प्लाई और नॉन इम्प्लाई दोनों को एक ही साथ कहते हैं कि क्वार्टर खाली कीजिए और क्वार्टर को हम नीलाम करेंगे। ये जो है बहुत दुख की बात है और इस पर हम लोग डबल बेंच जाएंगे। क्वार्टर को खाली करा दिया जाता है, खाली एंट्री देने का समय दिया गया है प्रशासन के द्वारा, अगर क्वार्टर को खाली करा दिया जाता तो आप लोग को किस तरीके की समस्या का उत्पन्न हो जाएगा? हम लोग जो है डबल बेंच के, हमारा 5 चीज पर फोकस है जो हमने कह दिया, हम उसी को मानेंगे, हम डबल बेंच में जाएंगे, रिव्यू के लिए हम तैयार नहीं हैं। इनका जितना भी गलत रिपोर्ट है उसका हम विरोध करेंगे। अगर डबल बेंच में जाते हैं, 29 दिन का समय दिया गया, 29 दिन के अंदर इस फैसले पर अगर हाईकोर्ट के द्वारा स्टे नहीं लगाया जाता है तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो डबल बेंच की तैयारी कर चुके हैं, वहाँ हमारा लगा हुआ है और हम 2-3 दिन में जाकर के वहाँ फाइल हो जाएगा, हमारे वकील वहाँ तैयार करके रखे हैं, हमारे पिटिशनर गिरजा बाबू और गया बाबू दोनों आदमी गए हैं, हम लोग भी साथ गए हैं वहाँ पर, सारा हमारा डॉक्यूमेंट तैयार है, हम इनके विरोध में जाएंगे जो गलत ई रिपोर्ट दिए हैं। इनका पावर कहाँ तक है कंपनी जज के कि कमीशन के रिपोर्ट को डबल बेंच को भी नहीं मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ हाई कोर्ट में हुआ है, हम राष्ट्रपति के यहाँ भी, कानून मंत्री के यहाँ भी, एक तरफ प्रधानमंत्री भूमिहीनों को भूमि दे रहे हैं, दूसरे तरफ क्वार्टर बना के दे रहे हैं, यहाँ पर लोगों का बकाया पैसा है, रेंट दे कर रहता है, सही ढंग से रहता है, कहते हैं कि ताला तोड़ करके रहता है, एकदम ही गलत है, मजदूर विरोधी है, हमारा बकाया भी है, इसके बावजूद भी नहीं मानने के लिए कह दिए है कि क्वार्टर खाली कर देंगे। इस पर क्या साजिश है, इस पर हम लोगों को जो भी करेंगे, हम लोग जो भी प्रशासन की ओर अगर हम लोग छाती लड़ा देंगे, मर मिटेंगे क्वार्टर में, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ एक एक घर यही बोल रहा है कि बाल बच्चों के साथ हम नहीं निकलेंगे, हम लोग घर में जान दे देंगे। तो सुना आपने, बोल रहे हैं कि मर मिटेंगे लेकिन क्वार्टर खाली नहीं करेंगे, अपनी 5 मांगों के साथ जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में जाएंगे, और लोग भी है बात करेंगे, बताइए क्वार्टर खाली करने का आदेश आया है क्या करना चाहेंगे? हम लोग किसी कीमत पर क्वार्टर नहीं खाली करने जा रहे हैं, हम लोग डबल बेंच में जा रहे हैं, हम लोग की अगुवाई गिरजा बाबू, गया बाबू, पारस दुबे, ललित जी, ये सब लोग कर रहे हैं, हम इन लोगों के साथ। आप कितने वर्षों से क्वार्टर में रहते हैं? करीब हम 50-60 बरिस पहले से रह रहे हैं। अगर परिस्थिति ऐसी आती है कि क्वार्टर खाली करना पड़ जाए, जो 29 दिन का समय दिया गया, 29 दिन के बाद अगर क्वार्टर खाली करा दिया जाता है तो किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा आप लोगों को? समस्या तो जूझेंगे, बाकी पहले जान दे देंगे, यहाँ पर मर मिटेंगे, जान दे देंगे, कहूँ मर जाएंगे कहाँ रहेंगे? अब हम लोग का जो है तो यही है, ये है हम लोग का घर द्वार है, हम लोग इम्प्लाई जो पैसों नहीं पूरा मिला और हम लोग यहीं मर गए, आप मरिए जाएंगे, बाकी नहीं हटेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो सुना आपने, बोल रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन क्वार्टर को खाली नहीं करेंगे, अगर क्वार्टर खाली हो जाता है तो खाली होने के बाद काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इन लोगों को, और भी लोग हैं
लेकिन पांच मुद्दों के साथ पटना हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हुए डबल बेंच में जाएंगे। आपको हम दिखा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि डालमिया नगर फैक्ट्री का ही पूरा ग्राउंड है। हम लोग आदेश के अनुसार अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन कहें कि आप आगे आके दिखाइए, लिखा हुआ साफ तौर पर रेल मंत्रालय भारतीय रेल की संपत्ति। और तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाउंड्री भी टूट गया है, और ना ही 40 साल से बंद होने के बाद फैक्ट्री को चालू कराने के लिए ना ही कोई नेता की तरफ से, ना ही सांसद, कोई मंत्री की तरफ से, इस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जो पहले काम करते थे यहाँ पे, यहाँ के मजदूर थे, और कंपनी बंद होने के बाद एक आसरा था इनका, सिर्फ जो क्वार्टर है वो भी अब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है कि आपको 29 दिन के अंदर खाली कर देना है। अगर क्वार्टर खाली हो जाता है तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कत होगा। अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ इन लोग डबल बेंच में जाएंगे। अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ रोहतास से शिव कुमार ओझा।